बॉलीवुड एक्ट्रेस कृति सैनन आज अपना 30वां जन्मदिन मना रही हैं। हर साल की तरह इस बार कृति सैनन का जन्मदिन इतना खास नहीं है जितना होना चाहिए। इसके पीछे की वजह है सुशांत सिंह राजपूत की मौत। कृति ने एक महीने पहले अपने एक्स बॉयफ्रेंड और एक अच्छे दोस्त सुशांत सिंह राजपूत को खोया है। सुशांत ने 14 जून को अपने मुंबई वाले फ्लैट पर खुदकुशी की थी। एक्ट्रेस सुशांत का गम भुला नहीं पा रही हैं। वो आए दिन उन्हें मिस करती हैं। इसका उदाहरण उनकी सोशल मीडिया पर शेयर किए गए पोस्ट हैं। बता दें, साल 2017 में सुशांत और कृति की फिल्म राबता आई थी। इस फिल्म में पर्दे पर कुछ खास कमाल नहीं किया था, लेकिन इस फिल्म से दोनों की रियल लव स्टोरी शुरू हो गई थी। साल 2017 में दोनों ने एक दूसरे को डेट किया, कई बार एक साथ स्पॉट किए गए। फैंस को दोनों की जोड़ी भी खूब पसंद आई। कृति और सुशांत एक दूसरे के साथ वेकेशंस पर भी जाते थे। कई बार कृति को सुशांत के फार्म हाउस पर भी देखा गया। दोनों एक दूसरे के साथ काफी खुश थे, लेकिन जब सुशांत ने फिल्म केदारनाथ में काम किया तो उनका नाम सारा अली खान से जुड़ गया। उस दौरान कृति सैनन उनकी लाइफ से चली गई थी। 2020 में 21 जनवरी को कृति सैनन को सुशांत के घर जाते हुए देखा गया था। वो उनको बर्थडे विश करने गई थी, लेकिन उसके बाद कृति ने सुशांत से पूरी तरह से दूरी बना ली थी। वहीं सुशांत के निधन के दो दिन बाद एक्ट्रेस कृति सैनन ने सोशल मीडिया पर उनके साथ अपनी कुछ अनदेखी तस्वीरें शेयर की थी और अपना दुख जाहिर किया था। कृति ने लिखा था, सुश, मैं जानती थी कि तुम्हारा प्रतिभाशाली दिमाग तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड और तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है, लेकिन इसने मुझे पूरी तरह तोड़ दिया है कि तुम्हारी जिंदगी में ऐसा पल भी आया जब तुम्हारे लिए जीने से आसान मरना था। काश कि तुम्हारे पास उस पल में लोग होते जो तुम्हारी मदद करते उस पल को गुजारने में। काश कि तुमने उन लोगों को खुद से दूर ना किया होता जो तुमसे प्यार करते थे। वहीं हाल ही में एक्ट्रेस ने सुशांत की आखिरी फिल्म दिल बेचारा भी देखी, जिसे देख एक्ट्रेस बेहद इमोशनल हो गई थी और सोशल मीडिया पर सुशांत के लिए अपने जज्बात बयां किए। कृति सैनन ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर सुशांत सिंह राजपूत की फिल्म दिल बेचारा का एक वीडियो शेयर किया। इस वीडियो में फिल्म में सुशांत के कुछ खास लम्हे दिख रहे हैं। इस वीडियो के साथ कृति ने बेहद इमोशनल कैप्शन शेयर किया। कृति ने इस वीडियो के कैप्शन में लिखा, ये ठीक नहीं है और ये कभी भुलाया नहीं जा सकता। इसने मेरा दिल फिर से तोड़ दिया है। मैंने के किरदार के लम्हों में मैंने फिर से तुम्हें जीते जागते देखा है। ब्यूरो रिपोर्ट, E24। तुम्हें बहुत ज्यादा पास आ गया। तू अलग हूँ मैं तेरे साथ बहुत। मैंने कभी ऐसे नहीं किया है पहले, यू नो। आई नो बेबी, मैं चीज पड़ी हूँ मस्त मस्त।